नमस्ते बच्चों, तो ऑनलाइन इस सेशन में सबसे पहले आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा छठी सुलभ भारती यानी कि हिंदी इस विषय की एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजेदार कहानी सीखने वाले हैं। उस कहानी का नाम है जन्मदिन। तो देखिए बच्चों, हम हर साल एक दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उस दिन हमें नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, बहुत सारे उपहार मिलते हैं, उपहार यानी कि गिफ्ट्स उपहार मिलते हैं, और हमारे सभी दोस्त हमारे घर पर आते हैं। और हाँ, उस दिन हम केक भी काटते हैं। तो आपके समझ में आया होगा वो दिन कौन सा है? तो बिल्कुल सही, वो दिन होता है जन्मदिन। जन्मदिन हमारे जन्मदिन की हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, इंतजार हम करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे घर हमारे दोस्त सभी आते हैं, पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं। तो इस दिन का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, इसीलिए आज हम हमारे छठी कक्षा सुलभ भारती इस विषय में जन्मदिन एक कहानी पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो इस कहानी के जो लेखक है बच्चों, उनका नाम है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। देखिए इनका हम यहाँ पर परिचय देखेंगे। सबसे पहले प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव, इनका जन्म 11 मार्च 1929 में हुआ था और खरौना जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी की रचनाएं हिंदी साहित्य में बहुत ही फेमस है। उनकी रचनाएं बाल कहानियां, बाल नाटक, लेख जिसे आप बोलते हैं आर्टिकल्स, रूपक यानी कि ये भी एक नाटक का ही प्रकार होता है। तो प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव इन्होंने बहुत ही हिंदी साहित्य में बहुत ही रचनाएं हिंदी साहित्य को दी, विशेष ये सभी रचनाएं छोटे छोटे बच्चों के लिए है, इसलिए इनको प्रेम स्वरूप जी को बाल साहित्यिक भी कहा जाता है। और आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन में संलग्न है। ये जो प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी है, ये पिछले 6 दशक, एक दशक का मतलब क्या होता है? 10 साल। एक दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी कि प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी हिंदी साहित्य में एक से बढ़कर एक रचनाएं कब से ले रहे हैं? पिछले 60 सालों से, 6 दशक यानी कि 60 सालों से दे रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की और ध्यान आकर्षित किया है। तो देखिए इस बहुत ही खूबसूरत कहानी में प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने पानी का महत्व हमें समझाया, क्योंकि देखिए बच्चों जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अगर जल ही नहीं तो हम ही नहीं रहेंगे, इसलिए जल को जीवन कहते हैं। और इसी जल की विशेषता, इसी जल का महत्व हमें इस कहानी में प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने बताया है। तो चलिए आज हम इस कहानी के और बढ़ते हैं, जिसका नाम है जन्मदिन। तो देखिए गर्मी
तीखे होना ये मुहावरा है, तेवर तीखे होना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है गुस्सा होना, तेवर तीखे होने का मतलब क्या होता है गुस्सा होना। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने ही मस्त में था। देखिए बेखबर, बेखबर का मतलब होता है अनजान। गर्मी पड़ने लगी थी, गर्मी के तेवर जो होते हैं वो तीखे हो, तेवर तीखे हो चले, सूरज आज आग बरसाने लगा, मगर इस सबसे बेखबर बबलू अपने ही मस्ती में था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। और देखिए एक जो बबलू नामक एक जो लड़का है उसे बाथरूम में घुसे हुए कितना टाइम हुआ था, आधा घंटा हुआ था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची थी। धमा चौकड़ी मचाना इसका मतलब होता है धूम मचाना, मस्ती करना। और ये बबलू इस कहानी में जो पात्र है बबलू, वो बबलू बाथरूम में घुसे हुए आधा घंटा हो चुका था और वो बाथरूम में क्या कर रहा था, मस्ती कर रहा था, धमा चौकड़ी कर रहा था, धूम मचा रहा था। मतलब यहां पर वो पानी का दुरुपयोग कर रहा था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। टोटी का मतलब टैप होता है, टैप टैप, जैसे हमारे घर में नल होता है, नल की टोटी, टोटी का मतलब टैप। और कभी कभी वो शावर के नीचे नल की टोटी भी खोल देता था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा। अंत में उस बबलू की जो माँ है उसने ये सब देखा और उसे चिल्लाना पड़ा बबलू के ऊपर कि बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। देखिए हमारे घर में अक्सर जब माँ हमारे बाबूजी हमें बहुत बार डांटते हैं कि अगर हमने पानी पीने के लिए एक गिलास पानी लिया और उसमें से दो तीन घूंट पानी हम पीते बाकी पानी हम क्या करते फेंक देते, तो ऐसा करने से पानी का हम क्या करते दुरुपयोग करते। इसलिए हमें जितना चाहिए उतना ही पानी लेना चाहिए और पानी की बचत हमें करनी चाहिए। इसलिए बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो, ऐसा बबलू की मां कहती है। मां मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस नहा रहा हूं। देखिए बच्चों कभी कभी हम भी हमारे घर में नहाते समय, नहाने का मतलब क्या होता है स्नान करना। देखिए जब हम नहाते हैं तो नहाने के लिए कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पानी हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे शरीर पर तो नहीं बैठता, फिर हम उसका सिर्फ मजा लेना है, इसी बहाने हम क्या करते हैं पानी का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए नहाते समय जितना आवश्यक हो उतना ही पानी लेना चाहिए। जैसे कि इस कहानी में इस बबलू जो है ये बबलू क्या करता है पानी का पानी बर्बाद कर रहा है, इसलिए उसकी माँ कहती है कि बबलू पानी बर्बाद मत करो। तो बबलू कहता है माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस नहा रहा हूं, इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। अब घंटों नहाने से अगर कुछ हमें सफल कुछ सफलता मिलने वाली है नहीं, कुछ फायदा होने वाला है नहीं होने वाला, सिर्फ हम एक ही काम कर रहे हैं पानी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए घंटों नहाने का मतलब ये नहीं होता। इसलिए जितना आवश्यक पानी हो उतना ही पानी हमें क्या करना चाहिए नहाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं। बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। देखिए जब हमें कुछ बुरी आदतें होती है तो हमारे इस बुरी आदतों की वजह से हमारे माता पिता अक्सर क्या होते हैं परेशान होते हैं, वैसे ही इस बबलू के माता पिता भी इसकी गंदी आदतों से क्या थे परेशान थे। देखिए वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। मंजन करना यानी कि
ब्रश करना। देखिए कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्रश करते समय ऊपर आईने में देख के ब्रश करते हैं और नीचे नल की टोटी खुली छोड़ देते हैं। इसी के वजह से क्या होता है, पानी बर्बाद होता है। इसीलिए देखिए मंजन करते समय भी जितना आवश्यक हो उतना ही पानी हमें क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं। तो देखिए वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। आदत, आदत का मतलब होता है स्वभाव। देखिए ये जो स्वभाव है बब्लू का, ये जो गंदी आदत है बब्लू की, इसकी वजह से उसे स्कूल में भी बहुत बार क्या खानी पड़ी, डांट खानी पड़ी। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। देखिए बच्चों हम भी अक्सर हमारे स्कूल में आते हैं तो हम भी स्कूल की नल की जो टोटी होती है वो अक्सर बहुत ही बच्चे क्या करते हैं, खुली छोड़कर हमारे कक्षा में वापस आ जाते हैं। लेकिन वह टोटी खुली छोड़ने से क्या होता है, पानी बर्बाद होता है। इसीलिए हमें जब भी हमने नल के पास जाकर पानी पिया हो, हाथ धोया हो, तो उस नल की टोटी हमें क्या करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए। इसी से पानी की क्या हो सकती है, बचत हो सकती है। पानी मानो तो हमारा क्या होता है, जीवन होता है। इसलिए एक पानी की ही बात नहीं थी, देखिए एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। देखिए बबलू सिर्फ ये हरकत पानी के साथ ही नहीं करता था, तो वो बिजली के साथ भी यही हरकत करता था। बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा। देखिए बिजली के साथ भी यही होता, वह कपड़े में ना हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना ही भूल जाता। मतलब बबलू जब कमरे में ना हो तो भी बबलू के कमरे का पंखा जो होता वो चलता ही रहता, और कभी कभी वो बाहर जाते समय कूलर ही बंद करना भूल जाता। इसीलिए वह कमरे में ना हो तो भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता तभी बल्ब जलता रहता। इसी के कारण बिजली जो है उस बिजली की भी क्या करता था, वो क्या करता था, बिजली का भी मतलब वो ध्यान नहीं देता था और बिजली भी नुकसान हो जाता था। तो देखिए माँ को ही बुझाना पड़ता, और बाद में उसकी माँ जब उसी कमरे में आती थी तो देखती थी कि बबलू के कमरे का पंखा ही चालू है, कूलर भी चालू है, बल्ब भी चालू है। इसलिए उसके माँ को उसका पंखा कूलर बल्ब बंद करना पड़ता था। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। इसलिए हमें इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भंडार, भंडार यानी कि खजाना। देखिए पानी हो या बिजली दोनों का भी जो भंडार है वो कैसा है, सीमित है। इसलिए हम उसे जितना ही कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो ये सीमित भंडार कब खत्म हो जाए हमें भी मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए देखिए भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा, नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी क्या करेंगे, तरसेंगे। नहाने का मतलब स्नान करना, और लोग ऐसे ही सभी लोग करने लगे, पानी के नल खुले छोड़ देते, बिजली का अनावश्यक वापर हम हमारे घर में करेंगे, तो क्या होगा, एक दिन हम पानी के घूंट घूंट के लिए क्या करेंगे, तरसेंगे। इसलिए बच्चों देखिए हमें इस कहानी से एक सीख तो मिलती है कि पानी का बचत करना चाहिए, पानी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी आवश्यक हो उसी तरह उसके हिसाब से हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ज्यादा उपयोग करना नहीं चाहिए। तो लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती थी। देखिए बच्चे अक्सर शरारती होते हैं, बच्चों को अच्छी बात जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन जब बुजुर्ग आदमी करके जो बड़े होते वो हमें अगर कोई बात सिखाते हैं, कोई बात समझाते हैं,
तो उसे हमें क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा ही सिखाते हैं। इसलिए माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इसलिए ये बबलू की जो छोटी छोटी हरकतें, ये हरकतों का, इन हरकतों को खत्म करने के लिए बबलू के माता पिता दोनों परेशान थे, लेकिन उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। और इस प्रस्तुत कहानी में आगे क्या होता है, बाकी का जो भाग है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको यहां तक समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।